त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनैः अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्युः परिरक्षणार्थं वंदे महाकाल महासुरेशं। बोलिए महाकाल भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। शिव पुराणों में तथा अन्य ग्रंथों में प्रदोष व्रत का बड़ा ही महत्व माना गया है। सभी प्रकार की जो प्रदोष होती है उसका अपना अपना अलग अलग महत्व होता है। प्रदोष जो कि त्रयोदशी तिथि जिस दिन सायंकाल में रहेगी उस दिन प्रदोष का पर्व माना जाएगा, और रविवार के दिन प्रदोष जो होती है उसका अपना एक अलग महत्व है। सोमवार को जो प्रदोष आती है उसका अपना अलग महत्व होता है, तथा मंगलवार को आने वाली प्रदोष का भी अपना महत्व है, और बुधवार को जो प्रदोष आती है उसका भी अपना अपना एक अलग महत्व होता है, तथा गुरुवार के दिन जो प्रदोष आती है उसका तो बड़ा ही विलक्षण और अद्भुत संयोग बनता है। और इस बार जो है गुरुवार के दिन प्रदोष का पर्व पड़ रहा है, और गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का दिन होता है, और गुरुवार के दिन यदि प्रदोष तिथि आती है तो ये एक बड़ा संयोग बनता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान नारायण का दिन और प्रदोष तिथि जो होती है वह भगवान भोले बाबा की होती है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हरि हर मिलन का संयोग बनता है। हरि का अर्थ होता है नारायण, और हर का अर्थ होता है भगवान महादेव। महादेव चूंकि अपने इष्ट देवता के रूप में नारायण को पूजते हैं, उनको मानते हैं, वहीं नारायण जो है अपने इष्ट देवता के रूप में महादेव को मानते हैं और पूजते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को इष्ट देव मानते हैं। इसलिए यदि गुरुवार के दिन प्रदोष आती है तो एक बड़ा संयोग है। धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो संतान की इच्छा करता है उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई कन्या विवाह की इच्छा से इस व्रत को करेगी तो निश्चय ही उसका विवाह हो जाएगा, और यदि कोई पुरुष रोजगार की कार्य की इच्छा से इस व्रत को करेगा तो उसकी वह भी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी। यदि कोई मनुष्य धन प्राप्ति की इच्छा से गुरुवारी प्रदोष का व्रत करेगा तो निश्चय ही उसे धन प्राप्ति हो जाएगी। इसके अलावा यदि कोई कन्या या वर यदि प्रेम विवाह करना चाहता है तो उसको गुरुवारी प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन सौभाग्य वर्धक दिन माना गया है, और भगवान महादेव की कृपा गुरुवार के साथ जुड़ जाती है, इसलिए गुरुवारी प्रदोष को सौभाग्य वर्धक मानी गई है। शिव पुराण में ऐसा बताया है कि भगवान भोलेनाथ गुरुवारी प्रदोष के दिन कैलाश पर्वत पर जो रजत भवन है वहां पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। ऐसे में यदि कोई भक्त उनकी आराधना करेगा, व्रत करेगा और पूरी निष्ठा के साथ में गुरुवारी प्रदोष का व्रत करेगा तो निश्चय ही जो जो भी उसकी मन की मुरादें होगी, जो जो भी उसकी अभिलाषाएं होगी, जो भी उसकी मन की इच्छाएं होगी वो सब पूर्ण हो जाएगी। यानी यदि वो शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे शिक्षा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसे रोजगार मिल जाएगा, और यदि विवाह की इच्छा है तो उसका विवाह हो जाएगा। संतान प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने वाले को निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस व्रत को महिलाएं पुरुष दोनों कर सकते हैं, और यदि आपकी नौकरी या कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी उत्पन्न हो रही है, यदि आप बेरोजगार है तो आपको इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान महादेव और भगवान विष्णु की कृपा से आपको निश्चय ही एक अच्छे कार्य की प्राप्ति हो जाएगी। धन प्राप्ति का यदि आपको संयोग बनाना है, आर्थिक उन्नति यदि आपको करनी है तो आपको गुरुवारी प्रदोष का व्रत करना चाहिए। यानी जो जो भी मनुष्य की कामनाएं होगी वो सब गुरुवारी प्रदोष का व्रत करने से पूर्ण हो जाएगी। 18 जून 2020 गुरुवार के दिन प्रदोष महापर्व रहेगा, और प्रदोष का जो नियम पालन है वह आपको इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले उठना है, और उठने के बाद में आपको स्नान आदि अपना नित्य कर्म करना है, और स्नान करने के बाद आपको धुले हुए वस्त्र धारण करना चाहिए। स्नान करने के बाद
जो हमारा बिस्तर होता है जिसपे हम सोए होते हैं उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, अन्यथा हम पुनः अपवित्र माने जाएंगे। इसके अलावा यदि आपने जो पहने हुए कपड़े हैं उनको भी स्पर्श कर लिया तो भी आप अपवित्र माने जाएंगे। उसके बाद आप अपना नित्य का जो पूजन करते हैं वो कर लीजिए, और उसके बाद आपको प्रदोष व्रत का संकल्प करना है। प्रदोष व्रत के संकल्प के लिए आपको हाथ की इस प्रकार की मुद्रा लेना है और हाथ में इस स्थान पर आपको जल रखना है, और जल में एक बिल्व पत्र यदि मिल जाए तो वो रख लीजिए, या फिर चावल रख लीजिए और सुपारी भी आप इसमें रख सकते हैं। यानी जो भी वस्तु आपके पास उपलब्ध हो, यदि कुछ नहीं तो केवल चावल और जल से भी आप संकल्प कर सकते हैं। बिल पत्र यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और फिर आपको 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और कहिएगा कि हे प्रभु, मैं अमुक शहर में अमुक नगर में निवास करता हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तथा मैं आज गुरुवारी प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, और हे प्रभु मेरी मनोकामना को पूर्ण करिएगा। आपके मन की जो भी कामना है, यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वह उच्चारण करना होगा, और यदि आप रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, विवाह की इच्छा है, संतान की इच्छा है, या जो भी अभिलाषा है मन में, वह आप उच्चारण कर लीजिएगा। और उसके बाद कहिएगा कि आज मैं भगवान भोलेनाथ तथा नारायण की प्रसन्नता के लिए गुरुवारी प्रदोष का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, इस व्रत को आप प्रभु स्वीकार करिएगा। इस प्रकार संकल्प को भगवान महादेव के फोटो के सामने, उनकी मूर्ति के सामने, उनके स्वरूप के सामने या शिवलिंग के सामने आप अर्पण कर दीजिएगा। छोड़ने के बाद में हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करिएगा, प्रणाम करिएगा कि हे प्रभु आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि मैं गुरुवारी प्रदोष का व्रत का पूर्णतः पालन कर सकूं। उसके बाद आपको पूरे दिन अच्छी प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत को करना चाहिए, और आप चाहें तो दोपहर में भगवान को भोग लगा करके फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। फलाहार में दूध से बनी मिठाई या फल सर्वोत्तम माने जाते हैं। ये वस्तुएं आप फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं, और उसके बाद आपको पूरे दिन नियमों का पालन करना है। दिन में सोना नहीं है, दाढ़ी कटिंग नहीं कटवाना है, इसके अलावा झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और आपको किसी भी पेड़ पौधे को काटना नहीं है। इसके अलावा आपको किसी से भी जो है ऐसा वचन नहीं बोलना है जिससे उसका दिल दुखता हो। यानी इन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको प्रदोष काल में यानी शाम के समय 4 बजे के बाद भगवान भोलेनाथ का पूजन करना है। तो आप पूजन के रूप में यदि आपके यहाँ शिवलिंग है तो आप उनका पूजन करें, उनको जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, और चंदन लगाएं, जनेऊ चढ़ाएं और कलावा चढ़ाएं, और इसके बाद पुष्प बिल्व पत्र और सारी सामग्री जो भी आपके पास उपलब्ध है, क्योंकि भोले बाबा की पूजा श्रद्धा भक्ति के साथ जैसे भी आप करेंगे उस पूजा को आप वो स्वीकार कर लेंगे। भोले भंडारी है, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल जल और बिल्व पत्र भी यदि आप चढ़ा देंगे श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ में तो निश्चय ही आपकी कामना को पूर्ण कर देंगे। उसके बाद आप भोजन तैयार करिए, और जो भोजन आपने बनाया है उसको भगवान के सामने भोग लगाइए। भगवान महादेव को विशेष रूप से चूरमे का भोग लगता है, आटे की बाटी बनाते हैं उसका चूरमा बनाया जाता है, और उसको भोग के रूप में भगवान के सामने रखा जाता है। उसमें बिल्व पत्र आदि रख दीजिए और उसके ऊपर जो है आप जल आसपास घुमा दीजिए, और नैवेद्यम भगवान को समर्पण करने के बाद में एक पान में लौंग इलायची रख करके उनको अर्पित कर दीजिए। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करिए और उनकी आरती करिए, और इस प्रकार जो है आपको पूरा पालन करना है। और जब आरती पूजा हो जाए, भोग लग जाए, सब कुछ हो जाए, तब आपको भोजन कर लेना है। यानी एक समय आपको भोजन करना चाहिए। जब आप प्रदोष व्रत का भोजन करते हैं उस समय आपको जो है एक स्थान पर बैठकर ही भोजन करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि व्रत का जो भोजन होता है उसे मौन रह करके करना चाहिए, और व्रत के भोजन में कभी भी लहसुन और प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तथा इस दिन घर में मांस मदिरा या अन्य अभक्ष भक्षण का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
उसके बाद इस प्रकार व्रत को आप खोल सकते हैं। शाम के समय एक समय भोजन किया जाता है, पूरे दिन व्रत रखा जाता है। दिन में आप फल दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई या अन्य वस्तुएं ले सकते हैं। यदि आप चूरमा नहीं बना सकते हैं तो फल और मिठाई का भी भगवान को भोग अवश्य लगा दें। गुरुवारी जो प्रदोष होती है वह बड़ी ही दिव्य और फल वर्धक मानी गई है, यानी इसका जो परिणाम प्राप्त होता है वह तुरंत प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको गुरुवारी प्रदोष का इस प्रकार व्रत करना चाहिए। धर्म ग्रंथों में और शास्त्रों में जो गुरुवारी प्रदोष की कथा बताई गई है वह सनातन धर्म के अनुसार प्रत्येक माह की त्रयोदशी जब सायंकाल में होती है तो उसे प्रदोष कहा जाता है, और इस प्रदोष को मंगलकारी एवं भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला व्रत कहा गया है। त्रयोदशी व्रत करने वाले को 100 गाय दान करने का फल प्राप्त होता है तथा यह सभी प्रकार के पाप को नष्ट करता है और जीवन की प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इतना ही नहीं, गुरु प्रदोष व्रत शत्रुओं का विनाश करने वाला माना गया है। सूजी महाराज के अनुसार शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है। यह अति श्रेष्ठ वार मास तिथि सर्व से व्रत है, यह अति श्रेष्ठ है। और गुरुवार की जो प्रदोष होती है वो सभी प्रदोष में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसकी कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित करके नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख करके वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो गया, स्वयं युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गए, देवगुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लिया है। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत को चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को देख करके वह उनका मजाक उड़ाने लगा, उपहास करने लगा। बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन बद्ध होकर के सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुनकर के सर्वव्यापी शिव शंकर मुस्कुरा करके बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकुट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो, मेरा मजाक उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो गई और चित्ररथ से संबोधित करते हुए बोली कि अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ में मेरा भी उपहास यानी मजाक उड़ाया है, अतः मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों का उपहास का दुस्साहस कभी भी जीवन में नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण करके विमान से नीचे गिर जा। मैं तुझे श्राप देती हूं कि इसी समय तू राक्षस बन जाएगा, तू दैत्य बन जाएगा। जगदम्बा भवानी माता पार्वती के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर के वह वृत्तासुर नामक राक्षस बन गया। गुरुदेव बृहस्पति आगे कहते हैं कि वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त था, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष का व्रत करके पहले भगवान शंकर को प्रसन्न करो, उसके बाद ही वृत्तासुर के ऊपर तुम्हारी विजय हो पाएगी। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करके बृहस्पति की आज्ञा के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत किया और गुरु प्रदोष का व्रत करने के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर का वध कर दिया तथा उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। इसलिए प्रदोष का व्रत, गुरु प्रदोष का व्रत भक्तों को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत परम मंगलकारी है, परम कल्याणकारी है। जो इस कथा को सुनता है, सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा उसके जीवन में कभी भी कोई कष्ट और संकट नहीं आता है।
बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भोलेश्वर भगवान की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों माताओं बहनों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य लिख दीजिएगा। साथ ही यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण। सादर धन्यवाद।